आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना COVID-19 का संक्रमण एक बार फिर वापस लौटता हुआ दिख रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। बाजार में आप देख सकते हैं रोको टोको अभियान के पोस्टर जरूर लगे हुए हैं, पर कहीं भी कोई भी कारिंदा, प्रशासन का कोई भी कारिंदा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जो रोक टोक किसी को रोक रहा हो, टोक रहा हो। मास्क अगर आप नहीं लगाए हैं तो मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहा हो, चालान बना रहा हो, जुर्माना कर रहा हो, इस तरीके का कोई भी यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये शहर का मुख्य बाजार, यहाँ पर लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। कोरोना का संक्रमण ऐसा माना जाता है कि मास्क नहीं लगाने पर कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जाते हैं तो संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, पर सिवनी में जिस तरीके का चलन चलता हुआ दिख रहा है उसे देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिवनी में कहीं कोरोना COVID-19 के लिए कोई गंभीर प्रयास किए जा रहे हों इसकी रोकथाम के लिए। कहने को 144 धारा लगा दी गई है, पर 144 धारा लगाने के बाद भी जिले की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वे स्थितियां बहुत अच्छी तो कतई नहीं मानी जा सकती। प्रशासन के पास विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न विभागों का अमला है। प्रशासन चाहे तो अपने इन विभिन्न विभागों के अमले को यहाँ ताकीद करने के लिए, जुर्माना करने के लिए, लोगों को समझाइश देने के लिए, इसके अलावा गैर राजनीतिक संगठन भी सिवनी में हैं। इन गैर राजनीतिक संगठनों का उपयोग भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। चाहे अगर प्रशासन तो इन गैर राजनीतिक संगठनों का उपयोग कर लोगों को कोरोना COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने एवं अन्य सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी रखने आदि के मामले में किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में धारा 144 लागू किए जाने के बाद की परिस्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी जिले के बाजारों के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बाजारों में किस तरीके की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मास्क के बिना दुकानदार, मास्क के बिना ग्राहक, सड़कों पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालक हों या चार पहिया वाहन चालक अथवा पैदल चलने वाले, इनमें मास्क का उपयोग कहीं कोई करता दिख नहीं रहा है। ये वास्तव में एक बहुत गंभीर बात मानी जा सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी अब तक संपन्न नहीं हो पाई है। इसके अलावा सांसदों, विधायकों सहित सियासी नुमाइंदों को चाहिए कि वे भी कोरोना COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने, शारीरिक दूरी रखने आदि के बारे में अपील जरूर करें। अपील होती कहीं दिख नहीं रही है, किसी के द्वारा भी इस तरीके की अपील नहीं की जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करता है कि आप घर पर रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर घरों से निकलें। अगर घर से निकलते हैं तो मास्क के बिना किसी भी कीमत पर ना निकलें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिए। प्रशासन शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन, समय समय पर दी जाने वाली SOP गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। आपको हम पल पल के अपडेट दे रहे हैं।
ये सिवनी जिले जिला मुख्यालय सिवनी का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। जिला मुख्यालय में मास्क का उपयोग लोग कम ही करते दिख रहे हैं। मास्क के अलावा आप देख सकते हैं कि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी पूरी तरह नहीं किया जा रहा है, जो थोड़ा सा चिंताजनक बात मानी जा सकती है। 17 मार्च बुधवार को लखना दौन में, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लखना दौन में एक महिला की कोरोना कोविड-19 से कथित तौर पर उनका निधन हो गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे द्वारा की नहीं गई है, पर सूत्र बताते हैं कि उनकी कोरोना कोविड-19 रिपोर्ट 2 दिन पूर्व पॉजिटिव आई थी। बहरहाल घर पर ही रहें, घरों से निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट, मनोरंजक जानकारियाँ, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जानकारियाँ आदि पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए, सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए, आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।